बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू माय यूट्यूब फैमिली, जो अब मैं रेसिपी आपको सिखाने जा रही हूँ उसका नाम है लेमन मिंट मजीटो। और क्योंकि गर्मी है और पानी की हमारे अंदर बहुत कमी हो जाती है, तो इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं उससे हमारे अंदर जो डिहाइड्रेशन हो जाती है पानी की, उसको ख़त्म करने के लिए ऐसी ड्रिंक्स हमारे बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और जो लोग डाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं उनका वेट भी लूज़ हो और जो ये फ्राई चीज़ें जो होती हैं ये खाने से उनका वेट इंक्रीज़ ना हो, तो उनके लिए भी ये जो है ड्रिंक ये बहुत ज़रूरी है। ये इतनी मज़े की बनती है और साथ में इससे आपका हाजमा भी सही होता है, और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो देर नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, उसको मैंने थोड़े से पत्ते लिए हैं, उसको मैंने क्रश कर लिया है, और कुछ पत्ते जो हैं वो मैंने साइड पे लिए हैं गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे मैं लेमन स्लाइसेस को यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। चीनी जो है वो मैंने ली है 1 चम्मच। सॉल्ट जो है यहाँ पर, नमक जो यहाँ पर मैंने लिया है वो है मैंने लिया है 1/5 पिंच जो है, यानी 1/4 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पर मैंने नमक लिया है। और यहाँ पे जो लीमू मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ वो मैंने लिया है सिर्फ हाफ लीमू यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे स्प्राइट, या अगर आपके पास स्प्राइट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो 7 अप भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंग्रीडियंट्स हैं, यानी कि पुदीना मैंने लिया है यहाँ पर कुछ, हाँ 1/2 लीमू लिया है, 1 चम्मच चीनी ले रही हूँ, और यहाँ पर स्लाइसिस लेमन के स्लाइसिस ले रही हूँ, 1/4 टेबल स्पून जो है नमक ले रही हूँ, और कुछ पुदीना ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं स्प्राइट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं इसकी तरकीब की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे शुगर ली है, ठीक है, ये आपने जार के अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, वो मैंने ऐड कर दी है, और जो हमने यहाँ पहले पुदीने के पत्ते लिए हैं वो आपने जार के अंदर ऐड कर देने हैं। सारे के सारे जो पत्ते लिए हुए हैं वो सारे जो हैं वो हमने ऐड कर देने हैं इसके अंदर, सारे ऐड कर देने हैं। ठीक है, और जो है लेमन जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ देखें मैं हाफ लेमन यूज़ कर रही हूँ, हाफ लेमन यूज़ कर रही हूँ, वो भी आप लोगों ने इसके अंदर जोड़ देना है, अच्छे से क्रश कर देना है आपने नींबू को, अच्छे से अंदर क्रश कर देना है। ठीक है, सारा नींबू जो है वो आपने इसके अंदर क्रश कर देना है। अब लीमू मैंने इसके अंदर क्रश कर दिया है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, जो 7 अप है, स्प्राइट है या 7 अप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ स्प्राइट को। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है वो आपने ऐड कर देनी है, ये मैंने ऐड कर दिया है। और सबसे लास्ट पे जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आइस को, और फिर आप सारी चीज़ों को जो है मिक्स कर देंगे, और फिर हम ये हमारी जो ये लेमन मिंट मजीटो है वो सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ऑन दिस नोट क्या है, मैं आइस को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप आइस के तमाम क्यूब्स को इसके अंदर ऐड कर दीजिए, जितने भी आइस क्यूब जो आपने लिए हैं वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी स्प्राइट मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, और हमारी जो लेमन मजीटो ड्रिंक है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब जो है मैं आपको इसकी जो है आप क्या करना है, आपने चम्मच की मदद से ना इसके अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना, उससे क्या होगा कि सारे जो इंग्रीडियंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये और भी ज़्यादा मज़े की मज़ेदार सी लेमन मिंट मजीटो जो है वो रेडी हो गई है। और ये बहुत ही बेस्ट होती है हाजमे के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अब मैं इसको गार्निश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ। तो मतलब हमारी रेडी हो चुकी है, और मैंने इसे नींबू से है नींबू के स्लाइसेस से गार्निश कर दिया, और कुछ स्लाइसेस मैंने अंदर भी ऐड किए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। इंशाल्लाह ताला जब इसे पियेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आपको ये मेरी लेमन मिंट मजीटो की ड्रिंक कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली जो मेरी ये रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है, और मैं आपको इसकी क्रीप से लुक दिखाती हूँ। आप देखें इसकी कितनी प्यारी और खूबसूरत सी यमी सी ये रेसिपी है, और ये ड्रिंक जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं और हाजमे के लिए बेस्ट होती है।
तो गाइस ऑन दिस नोट मैं भी मलिक अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ गाइस लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं इसी तरह आपके साथ अपनी मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहूँ। तो ऑन दिस नोट मैं भी मलिक अब आपसे अलविदा लूँगी, मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you.